ये हमारे फादर का दुकान हुआ करता था कभी, जो अभी टूट चुका है। काफ़ी यादें जुड़ी हुई है इससे। ये हमारी दुकान हुआ करती थी, एक छोटा सा खिड़की है इसमें, ये दरवाज़ा है, इसमें हम अभी अपने घर का कुछ टूटा फूटा सामान होता तो इसमें रखते हैं। टूट चुका है ये, ऊपर से छत निकल चुकी है। ये होटल हुआ करता था मेरे पिताजी का। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ चंदन और आप देख रहे हैं 1984 माइल। छठ पूजा में आया हूँ मैं अपने घर, तो मैं आज आपको अपना घर का टूर कराता हूँ और दिखाता हूँ कि हमारा घर कैसा है। जी है हमारा घर, बाहर एक छोटा सा गेट लगा हुआ है, छोटी सी बाउंड्री है, उसके अंदर घर है हमारा। तो ले चलेंगे, अभी आपको अंदर भी दिखाता हूँ। ऊपर करकट डाला हुआ है और ये कॉलोनी है हमारी, और यहाँ पे पानी का टैंक लगा हुआ है और नीचे चापाकल है। और उस सामने जो देख रहे हैं आप, जो टूट चुका है, वो हमारी दुकान है। तो चलिए चलते हैं घर के अंदर। ये बाहर तुलसी जी है हमारे घर के बाहर। एक दरवाज़ा इधर से है, एक दरवाज़ा इधर से है, और सामने खिड़की है, और पानी का नल यहाँ लगा हुआ है, और इसका कनेक्शन यहाँ दिया गया है। मोटर घर के अंदर है, यहाँ पे सप्लाई का ही पानी आता है, तो जब भी हमें पानी चलाना होता है यहाँ से स्विच ऑन करते हैं, मोटर घर के अंदर है, नहीं तो बाहर से चोरी हो जाता है। और हमने यहाँ पहले मोटर रखा था गली में, तो गली से मोटर चोरी हो गया था, उसकी वजह से घर में रखना पड़ता है, नहीं तो बाहर छोड़ के जाएंगे कहीं, अगर जाते हैं दो चार दिन के लिए बाहर तो यहाँ से मोटर चोरी हो जाती है। तो हम यहाँ से स्विच ऑन करते हैं और पानी चालू हो जाता है। छोटा सा जगह है बाहर में, तो यहाँ पे हम अपना बाइक वगैरह लगा लेते हैं जब भी हम घर आते हैं। तो चलिए हम लोग इस गेट से पहले अंदर चलते हैं। और ये हमारा छोटा सा बगान है, जिसके अंदर अड़हुल का फूल लगा हुआ है, इधर आम का पेड़ है, और इधर ये मिर्ची का पेड़ है, और ये हमारा मिट्टी का चूल्हा है जो कभी कभी जलाया जाता है, और यहाँ पे कोयला है, जो कोयला वाला चूल्हा, कौन सा है, कोयला का चूल्हा वहाँ रखा हुआ है, तो जब जलेगा तो मैं दिखा दूँगा आपको। और इधर टॉयलेट और वॉशरूम इधर है, और हमारे यहाँ अभी भी वो बल्ब चलती है, ये वाली बल्ब। तो सीसीएल में लोग ज़्यादातर यही बल्ब जलाते हैं। और यहाँ एक नारियल का पेड़ मैंने लगाया था तो वो लग चुका है, बहुत सारा तुलसी का पेड़ है। और छठ पूजा में ये बदमाश बंदा भी आया हुआ है पार्थ। लास्ट ईयर जब हम छठ में आए थे तो यहाँ पे तेजपत्ता का भी एक पेड़ लगाया था, वो भी नहीं लगा। ये सामने गेट है, उधर साइड कॉलोनी है, इस गेट के उस पार सीसीएल का कॉलोनी है, तो उधर साइड हम निकल जाते हैं बाहर। और सामने बड़ा सा पीपल का पेड़ है, तो पीपल का पेड़ इधर से हमने छांट दिया है, क्योंकि वो वॉशरूम के ऊपर इसका डाल वगैरह टूट के गिर जाता था। एक बार तो डाल टूट के गिरा तो सीधे वॉशरूम के अंदर आ गया था, अगर कोई होता तो दुर्घटनाग्रस्त हो सकता था वो, तो हमने इधर से इसका डाल कटवा दिया है। 15 साल पहले यहाँ पे गाय वगैरह हमारे घर में रखा जाता था, तो यहाँ पे गाय रहती थी, लेकिन अब गाय वगैरह नहीं हमारे घर में रखी जाती है, तो अब ये छोटा सा बगान बन चुका है, वॉशरूम है। तो चलिए आपको अपने घर के अंदर का टूर करा देते हैं। और यहाँ पे सब करकट का ही रूम है हमारा, ये इस टाइप का रूम है, एक रूम ये वाला है। तो चलिए आपको दिखा देते हैं अपना घर। जब हमारे यहाँ गाय थी तो ये वाला नाद है, इसमें हम खाना देते थे उसे, और ये भी नादी था, ये सीमेंट का बना हुआ है, लेकिन इसे अब पैक कर दिया गया है। ये मेरी माँ ने लगाया है, क्या मनी प्लांट है जो काफ़ी बड़ा हो चुका है। सामने अमरूद का पेड़ था, उसे काट दिया गया है, और एक पेड़ और था हमारे घर में, अमड़ा का पेड़ था, वो भी काट दिया गया है। फिलहाल अभी फूल के अमरूद के और आम का पेड़ लगा हुआ है। आम इस साल पहली बार फला था, और ऊपर देख रहे हैं पत्तों में शायद कीड़े लग गए हैं, इसी वजह से पत्ता सारा खा गया है। तो चलिए आपको अब घर के अंदर का टूर कराते हैं। तो हम लोग बगान से आ चुके हैं फिर बाहर, अब चलते हैं आपको रूम के अंदर ले चलते हैं। चलो पार्थ, लाइट जलाता हूँ, लाइट जला तो पार्थ, अंधेरा क्यों है। ये वाला हम लोग का रूम है, खिड़की वाला, इसमें खिड़की लगी हुई है, इधर पुराना अलमीरा रखा हुआ है, इधर सामान वामान रखने के लिए था, और फैन लगा हुआ है। ये हमारा पूजा घर है बेसिकली, छठ इसी में की जाती है। और सामने पानी वाला मोटर लगा हुआ है, जिसका मैंने कनेक्शन दिखाया था, यही मोटर अंदर में है, बाहर रखने से चोरी हो जाता है। और नीचे एक बेड लगा हुआ है, ये हमारा पूजा घर है, यहाँ पे सारे भगवान हमारे रखे हुए हैं। नहीं, मेरा दोस्त तिरुपति बालाजी गया था, तो वहाँ से ये वाला फ़ोटो मैंने मंगाया था, बचपन से मैं देखता रहा हूँ ये वाली घड़ी में, मतलब 20-30 साल पुरानी हो गई ये घड़ी,
मेरी माँ खरीदी थी, शायद 100 रुपये की, 125 रुपये का ये घड़ी है हमारा। ये मेरा दोस्त एक सिडी गया था तो वहाँ से साईं भगवान का मूर्ति ला दिया था। बट इसी तरह से बहुत सारी मूर्तियाँ हैं यहाँ पे, और ये मैं यूपी में रहता था तो वहाँ से लेके आया था जब मेरी बहन की शादी हो रही थी, तो उसके लिए मैं लेके आया था, लेकिन ये यहीं पे रह गया। चूड़ी का केस है ये, और यहीं पे छठ पूजा की जाती है। और एक रूम ये वाला है, इसमें फ्रिज रखा हुआ है, एक बेड यहाँ भी है, उधर पानी का फिल्टर है, ये वाला इस टाइप का पानी का फिल्टर, इधर से पानी डालते और यहाँ से पानी फिल्टर हो के इसके अंदर से फिल्टर होता है, फिर यहाँ पे आ जाता है। सभी रूम्स के दरवाजे एक दूसरे से सटे हुए हैं और ऊपर फैन लगा हुआ है। अभी हर साल छठ पूजा में पेंट होता है, तो अभी पेंट हुआ है तो इसमें ब्लू कलर है, इसमें पिंक कलर है, इस टाइप से पेंट किया गया है। और ये वाला हमारा टीवी रूम है, फैन चल रहा है, फैन बंद कर देते हैं। और ये हमारी टीवी है, ओनिडा का KY थंडर बहुत फेमस टीवी था पहले, तो ये टीवी हमारे घर में है। और इधर अलमीरा है, एक इधर बेड लगा हुआ है, ऊपर फैन है, और इधर डेक रखा हुआ है। पहले डेक बहुत चलता था, बॉक्स और डेक, तो ये वर्किंग शायद अभी नहीं है लेकिन चलता है। रेडियो वगैरह इससे हम लोग सुनते हैं कभी कभी, मेरा छोटा भाई से चलाता है तो चलेगा तो मैं आपको दिखाऊंगा। इधर फोटोग्राफ्स रखे हुए कुछ, ये हमारे पिताजी हैं, ये बड़ा भाई है। बिजली के पोल से जो तार आती है ये डायरेक्ट ये तारें आई हुई हैं, वायरिंग वगैरह किया हुआ है लेकिन उतने अच्छे से नहीं किया हुआ है। और इसमें भी एक टेबल है खाने का। इस रूम में दरवाज़ा है, पहले एक छोटा सा खिड़की हुआ करता था तो इसमें फिर दरवाज़ा लग गया। ये वाला रूम एक हो गया, फिर एक इसी से एक दरवाज़ा इधर निकला है, तो ये वाला रूम हो गया। और ये छोटा सा आंगन है, इधर शिव जी रहते हैं। बहुत पुरानी मूर्ति है, ये भी लगता है कि 30 साल पुरानी मूर्ति है। ये वाला मूर्ति मुझे दीदी स्कूल यहाँ पे बगल में पड़ता है जहाँ पे बच्चे खेलते थे, तो वहाँ पे मीना बाज़ार लगा था, तो वहाँ से हमने ये वाला मूर्ति एक शिवलिंग भी लिया था, लेकिन शिवलिंग को फिर हमने विसर्जन कर दिया, तो शिवलिंग तो नहीं है लेकिन ये मूर्ति है। लगभग 30 साल हो गया इस मूर्ति का। और ये धरखा बना हुआ है, ये किचन है हमारा छोटा सा, यहाँ पे गैस लगा हुआ है, इंडक्शन है और पानी वगैरह रखा हुआ है। इधर एक क्या बोलते हैं इसे, पानी के लिए टैंक बना हुआ है सीमेंट का, इसे सहारा बोलते हैं, किधर है। और इधर भी एक रूम है, ये कोयला का चूल्हा जला हुआ है, अभी पानी गर्म करने के लिए चढ़ाया गया है, माने चढ़ाया। और एक छोटा सा किचन इधर भी है, ये बर्तन वगैरह रखा हुआ है, इधर सामान रखा हुआ है, इधर बिजली वाला हीटर रखा हुआ है, ये बिजली वाला हीटर है, ये बिजली से चलता है तो यहाँ लोग चलाते हैं। और एक रूम ये वाला है, तो इसे आप स्टोर रूम भी बोल सकते हैं, इस तरह से सामान यहाँ पे रखी हुई है, एक बल्ब लगा हुआ है, फैन भी लगा हुआ है, तो इसमें भी हम लोग सो जाते हैं। बड़ा सा बक्सा रखा हुआ है, कूलर लगा हुआ है जब गर्मियों के दिनों में निकलता है, और बाकी सामान ऐसे छीटा हुआ है। और इसमें भी एक छोटी सी खिड़की है, और इधर से निकलेंगे तो सीधे बागान में हम लोग पहुँच जाएंगे। यही है हमारा घर। ऐसे तो हम रांची में रहते हैं भाड़े वाले घर में, लेकिन अपना घर अपना ही होता है, भले कैसा भी अपना घर हो, छोटा हो बड़ा हो। आपको लग रहा होगा कि बहुत छोटा सा है, मतलब सामान इधर उधर रखा हुआ है, लेकिन अपना घर अपना होता है। यहाँ जब भी हम लोग आते हैं बहुत सुकून मिलता है, तो हम लोग छठ में तो ज़रूर आते हैं और होली में ज़रूर आ जाते हैं यहाँ पे। ये हमारे फादर का दुकान हुआ करता था कभी, जो अभी टूट चुका है। काफ़ी यादें जुड़ी हुई हैं इससे। ये हमारी दुकान हुआ करती थी, एक छोटा सा खिड़की है इसमें, ये दरवाज़ा है, इसमें हम अभी अपने घर का कुछ टूटा फूटा सामान होता तो इसमें रखते हैं। टूट चुका है ये, ऊपर से छत निकल चुकी है। ये होटल हुआ करता था मेरे पिताजी का, और सामने भी दुकानें हुआ करती थी लेकिन ये सारी बंद हो चुकी हैं। सामने मेडिकल की दुकान हुआ करती थी, वहाँ कपड़े की दुकान थी। अंदर में काफ़ी जगह थी इसके, तो अंदर में टेबल वगैरह रहता था, अंदर में फिर काउंटर हुआ करता था, फिर पीछे थोड़ा सा जगह है वो भी चले मैं आपको दिखाता हूँ। और ये चना का दुकान था, बगल में एक ठाकुर रहता था बाल काटने वाला नाई, वो भी छोड़ के चला गया। और वहाँ बगल में कपड़ा की दुकान थी, तो वो भी टूट चुका है, वो भी लोग चले गए जहाँ के थे। और ये गली है,
हमारी दुकान है उसकी एक गली थी। तो चलिए अभी गली के अंदर आपको लेके चलता हूँ। और इसके बगल में मेरे दोस्त का घर था, तो दोस्त तो मेरा है लेकिन यहाँ से वो चला गया छोड़ के। सामने सोनार की दुकान है, वो भी एक मेरे दोस्त के सोनार का दुकान है। और एक हमारे पड़ोसी हैं, वो भी सोनार है, दो घर वहाँ सोनार का है। वो मेरे दोस्त का घर था, तो मेरा दोस्त यहाँ से चला गया, तो उसे भी उसने उस घर को भी, वो ब्लू वाला जो गेट देख रहे हैं सेटर लगा हुआ है, उसे उसने खरीद लिया है। और वहाँ पे दुबे मेडिकल है जो काफ़ी फेमस है, इस कॉलोनी की सबसे पुरानी दवाई की दुकान है और बड़ी दुकान भी है। यहाँ पे हर दवाई आपको मिल जाती है। और ये पूरा मार्केट हुआ करता था लेकिन अब ये डेड हो चुका है और बंद हो चुका है। और ये पानी का टैंक नहीं होता तो यहाँ के लोग पानी के बगैर मर जाते हैं। चलिए आपको अंदर लेके चलते हैं और दिखाते हैं। इसे खोलता हूँ पहले, क्या है इसका। और ये कुछ ऐसा गली था पहले, और इधर भी टूट चुका है। इधर मेरी माँ ने बाउंड्री दिलवा दिया है। इधर एक टॉयलेट बना हुआ है। पहले यहाँ पे गाय रखी जाती थी, तो उसका जो गाय के खाने का जो नाद है वो आज तक पड़ा हुआ है। कुछ टायर है, टायर के ऊपर रहता था। ये बेल का पेड़ है, इसके पीछे पंडित जी का मकान है। और ये छोटा सा टॉयलेट बना हुआ है। और जो हमारा होटल था उसका ये दरवाज़ा था, ये पूरी मिट्टी की दीवार थी। इसमें ये वाला जब दुकान फादर ने ख़रीदा था तो ये पूरी मिट्टी की थी, तो गिर चुका था। और ये जब गिरा था तो बगल में अंकल का जो घर था वो भी टूट चुका था, लेकिन उन्होंने कुछ बोला नहीं। उस समय हमारे घर की हालत बहुत ख़राब थी, तो हमारी दीवार की वजह से उनका भी घर टूट चुका है और आज तक टूटा हुआ है, दोबारा बना ही नहीं। कुछ ऐसा दिखता है पीछे। और पंडित जी पीछे रहते हैं, तो उनके घर में भी गाय थी, तो मुझे गाय का दूध निकालने आता था, तो वो मुझे कुछ पैसे दिया करते थे जैसे पॉकेट खर्चा वगैरह। ये जो देख रहे हैं टॉयलेट है मंटू का, तो 3000 में मेरे फादर, इतनी जगह होगी जितनी जगह आप देख रहे हैं यहाँ पे, तो पैसे की कमी की वजह से इतना जगह। तो मंटू के घर में टॉयलेट वगैरह नहीं था, तो मेरे फादर से इतनी जगह उन्होंने 3500 में खरीदा था। तो मेरे फादर ने, उनके पास पैसा नहीं था इसलिए इतनी ज़मीन उन्होंने मंटू के फादर को 3500 में दी थी। और उनका नाम था राय जी करके सब उन्हें बुलाते थे। तो आज वक्त हो चुका है, कम से कम 20 साल पहले की बात है ये। और ये हमारा होटल भी बंद हो चुका है, लेकिन हाँ यहाँ पे एक टॉयलेट बना हुआ है, तो हमारे घर के लोग यूज़ करते हैं इसे। और गाय, हमारे घर में गाय थी तो गाय यहाँ रहती थी, लेकिन अब गाय यहाँ नहीं रहती है। तो इस तरह से कुछ पड़ा हुआ है। और टॉयलेट बनने की वजह से साफ़ सफाई हो गई, नहीं तो पूरा ये गंदा हो चुका था और यहाँ पे मतलब पेड़ पौधे लग गए थे, लेकिन टॉयलेट की वजह से माँ ने साफ़ सफाई कर दी है और इसे यूज़ किया जाता है अब। और ये वाला जो होटल है इसे भी अंदर से कुछ रिपेयर किया गया, और जितने भी घर में टूटे फूटे सामान होते हैं यहाँ पे रख दिया जाता है। और इसकी गली है तो इसमें भी माने गेट लगा दिया है, क्योंकि बाहर के लोग कहते हैं ना कि जहाँ खाली जगह देखेंगे तो गंदा करेंगे, तो यहाँ पे उन्होंने पेशाब खाना बना के रखा था, तो इसलिए माने गेट लगा दिया है। तो ये था हमारे घर का और हमारे पुराने वाले दुकान का टूर। तो कैसा लगा ये वीडियो आपको, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। भले हम यहाँ नहीं रहते हैं, मदर फादर यहाँ रहते हैं, लेकिन इस घर से और दुकान से बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं। पैसा कमाने के लिए हम बाहर रहते हैं, अगर हम पैसा नहीं कमाएंगे तो हमारा घर कैसे चलेगा। नौकरी हम बाहर करते हैं, किसी की गुलामी करते हैं, लेकिन अपना घर होता है। क्योंकि भाड़े के घर में आप कितना भी पैसा दे दोगे ना तो अपना नहीं लगता है, क्योंकि मकान मालिक हमेशा आपको एहसास दिलाता है कि आप किराएदार हो, उस घर के मालिक नहीं हो। तो अपना घर टूटा फूटा जैसा भी हो, करकट का हो, मिट्टी का मकान, अपना घर अपना होता है। इसी घर में मैं पैदा हुआ था, अपना बचपन यहीं बिताया, अपना 10th यहीं किया, 12th यहीं किया, ग्रेजुएशन यहीं की, तो सारी यादें यहाँ जुड़ी हुई। जितने भी बचपन के दोस्त बने सब यहीं पे बने। आज तो शहर में कोई दोस्त भी नहीं है हमारा, जो बचपन के दोस्त थे सब अपने अपने रास्ते निकल गए, सब आज अपने लाइफ में बिजी हैं। कभी काल मुलाकात हुई तो हुई, लेकिन नहीं होती है। लेकिन ये जगह आज भी सुकून देती है, चाहे 2 साल, 5 साल, 6 साल, 10 साल के बाद भी इस जगह पर आता हूँ ना, तो ये जगह सुकून दिलाती है और यहाँ की यादें कभी ख़त्म नहीं हो सकती। तो अपना घर होता है चाहे जैसा भी हो। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक या सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसा लगा। तो मिलते हैं आपसे फिर एक नई जर्नी में, एक नई गाड़ी में। तब तक आप खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए। वंदे मातरम।